सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले इस क्षेत्र पर बहुत बुरा असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को मुश्किल से उबारने के लिए अपनी ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिया गया है। नए बजटीय प्रावधान के मुताबिक इससे 2,00,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकता है। Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGTMSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2,00,000 crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities. Raising and accelerating MSME performance, RAMP, program will outlay with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS की शुरुआत कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण कारोबारों पर पैदा हुए संकट को कम करने के लिए मई 2020 में की गई थी। अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पीएम मोदी ने 20,00,000 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज के तहत ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई व्यावसायिक उद्यमों और मुद्रा योजना के तहत पूरी तरह से गारंटी और गारंटी फ्री लोन प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल को लिंक किया जाएगा, इससे एमएसएमई का दायरा बढ़ जाएगा। उनका ये भी दावा है कि घरेलू उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का पूरा जोर है। देश की GDP में 30% और देश के निर्यात में 48% की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई सेक्टर कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।